अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये आस्तीन कोट का आस्तीन है, टाइट हो गई है और ये किसी दूसरे मास्टर के यहाँ स्टिचिंग कराए थे तो उन्होंने क्या किया कि ये टाइट कर दिए। यानी ये सही है और यहाँ सही है, यहाँ पे टाइट है, तो हम इसको कैसे ढीला करेंगे आज की वीडियो में ये भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको पलटी कर लेते हैं। और ये अस्तर को हम इतना खोलेंगे, बस इतना खोल दिए, देख लेंगे कि इसमें मार्जिन है या नहीं। मार्जिन रहेगी तो ढीला हो जाएगी, अगर नहीं रहेगी तो नहीं हो पाएगी। तो इसमें है मार्जिन, ये देखिए, कम से कम 1.5 इंच ढीला हो जाएगी, लेकिन इसमें 1 इंच ढीला करना है। तो ये जो अस्तर में और मेन पल्ला में अटैच है तो हम इसको पहले खोल लेंगे, ठीक है। अब इसको सीधा कर लेते हैं, ये जो बटन लगी है बटन को कट कर लेंगे। ये सिलाई खोल लेंगे मोरी का, दोनों अलग हो गई। अब यहाँ से हम इसको अलग कर देंगे, ये पीछे के साइड में रहती है जिसमें मार्जिन रहती है उसी को हमको खोलना है। ये अरमोल को भी खोल लेंगे, तो ये आरमोल को हम इतना खोल दिए, ये देखिए। थोड़ा और खोल लेंगे कि इसमें थोड़ा ढीला करेंगे तो इसमें थोड़ा रिंकल देके इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसको आयरन से ये जो रिंकल है ख़त्म कर लेंगे। और सेम इसी तरह आपको दूसरा भी इसका आस्तीन खोल लेना है, तो मैं सिर्फ एक आस्तीन बता रहा हूँ कि इसको हम कैसे सही करेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच हम ढीला करेंगे, तो हमने 1/2 इंच पे मार्क लगा लिया। अब यहाँ पे हम ये जो मार्क है क्रीच का, यहाँ पे हम 1 इंच ढीला करेंगे और यहाँ पे आधा इंच में 1 पॉइंट कम। हम इसको पहले इस तरह मार्क लगा लेंगे। हम इसको सिलाई इसी पे मारेंगे, अगर ये कपड़ा ऐसे बैठा के सिलाई इधर मारेंगे तो टाइट हो जाएगी। ये मार्क इसलिए मारे कि हम इसी पे सिलाई मारेंगे, ये मार्क के ऊपर सिलाई रहेगी। इस तरह इसका अस्तर भी खोल लेंगे। ये अस्तर बॉडी से अटैच है, बॉडी को भी थोड़ा दूर खोलेंगे, कम से कम इतना खोलेंगे।
ठीक है, इतना खोल लिए। अब इसको भी आयरन मार के साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको स्टिचिंग का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब इसको, इसका अस्तर जो है, इसको सेम इसी तरह है ना, जितना इसमें मार्जिन लिए उतना मार्जिन हमें को इसमें लेना है। अब ये आस्तीन को हम इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब ये आस्तीन को इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब इसको पकड़ लेंगे, दोनों को उल्टा साइड कर लेंगे। दोनों को मैंने उल्टा कर लिया, ये आस्तीन और ये पीछे का जॉइंट, ये जो जगह खाली है, इस जगह खाली से पीछे का जॉइंट, ये आस्तीन का पीछे का, दोनों अस्तर और मेन पल्ला का जॉइंट ऐसे सीधा पकड़ लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ ये साइड में हमने थोड़ा सा सिलाई खोल लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको पलटी करेंगे, तो हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, एक फोल्ड ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ से कच्चा सिलाई मार लेंगे, इसको कच्चा सिलाई नहीं रहेगी, पक्का ही सिलाई रहेगी। इनको सिलाई मार लिया। अब जो हमने आर्मोल के पास थोड़ा सा सिलाई को खोले थे, हम इसको पैक करेंगे। तो पहले, सबसे पहले ये अस्तर को हम ये यहाँ से ऐसे लेंगे, ये पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद क्या है, हम इसको सिलाई मार लेंगे। ये जो थोड़ा सा जगह खुली हुई है, तो हम इसको पैक कर लेंगे। अभी हम मेन पल्ला के सिलाई जो आर्मल के पास खुली थी, अब मेन पल्ला में सिलाई मारेंगे। तो मेन पल्ला का यहाँ है, हम इस तरह पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ढीला किए, तो यहाँ पे हमें रिंकल देना है।
हम देख लेंगे पहले कहाँ पे सिलाई थी, वहाँ पे इस जो सुई का धागा खोल लें उसका मार्क के हिसाब से हम पहले एक मार्क लगा लेंगे, ताकि हमारा सिलाई सेम उसी पे हो, नहीं तो क्या अनमोल नहीं बैठ पाएगी सही से। एक बारी यहाँ पे जॉइंट को ऐसे पलट करके देख लेंगे कि जॉइंट सही पक रही है या नहीं, यहाँ पे रिंकल तो नहीं ना आई है। अब इसको यहाँ पे पैड को इस तरह हम यहाँ पे सिलाई मार लेंगे, ताकि यहाँ पे जो हल्का छूटा हुआ है वो पैक हो जाए। ठीक है, अब ये अस्तर से हम इसको पलटी करेंगे। तो ये अस्तर को हम इस तरह लेंगे, ऐसे सीधा कर लेंगे। जहाँ पहले फोल्ड था, फोल्ड को पहले एक जैसा कर लेते हैं। ऐसे पकड़ लेंगे ये जॉइंट, दूसरा आस्तीन का जॉइंट, इसमें टाका मार के एक सपोर्ट कर लेंगे कि हाथ डालने के बाद ये अस्तर बाहर ना आए। ज़्यादा दूर तक सिलाई नहीं मारेंगे। बाकी ये जो अस्तर है हम इसको यहाँ से पलटी करेंगे, जहाँ तक हो सके वहाँ तक पैक करेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, हाथ से टाका मार देंगे। अब इसको ये छोटा सा जगह है, इस छोटा सा जगह में ही पलटी कर लेंगे। ये देखिए हम पलटी कर लिए, अब थोड़ा सा जगह खाली है तो इसको हाथ से तुरपाई कर लेंगे। अब इसको हम पलटी करके देखते हैं। तो ये हम एक बार ऐसे बैठा के देख लेंगे। तो आर्मोल, ये आर्मोल के सामने स्ट्रेट तो आई है, लेकिन ये जो सामने का क्रीच है ना, थोड़ा ऐसे घूम जाएगी, यानी आगे आ जाएगी। और ये देखिए हमने इतना ढीला कर दिया, जो मार्क लगाया था मार्क के ऊपर सिलाई मारा है, थोड़ा सा हट गई है। देखिए इस पर ढीला हो जाए तो सही है, टाइट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पीछे की तरफ हम देख लेंगे रिंकल तो नहीं ना है यहाँ। ठीक है, तो अब हम इसका आयरन का काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से फिर हम इसको पलटी करेंगे उल्टा साइड का। इसको अच्छा से फोल्ड करके हम उसको बैठा लेंगे।
क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से पानी लगा लेंगे। और इस तरह पकड़ लेंगे आयरन का ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट से इस तरह हम बैठाएंगे। इस तरह पकड़ लेंगे तो ये हमने तुरपाई कर लिया, अब इसको हम पलटी कर लेंगे। तो ये अल्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हो गया आज के वीडियो में। तो हमारे वीडियो कंप्लीट हो गए, कोई भी सवाल है कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें।